गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए, ये है दिवाली दिन मॉर्निंग का वीडियो और ये मिस्टर पुरोहित गए थे मिठाई लाने के लिए। तो ये है मिठाई का शॉप जो कि सुंदरगढ़ का फेमस शॉप है और इसका नाम है होटल प्रभात, जहाँ पे मिठाई का भरमार है, आपको दिख रहा होगा। और इतना मिठाई था वहाँ पे और कुछ नहीं था, तो वहाँ से वो मिठाई लाए और सीधा चले गए पटाखों के शॉप में। जैसे कि बाहर से कुछ पटाखे छोटू गया था लाया था, और फिर रीत के साथ मिस्टर पुरोहित गए हैं सुंदरगढ़ में, जहाँ पे पटाखे बेचा जा रहा था। देखिए, एक फील्ड है, वहाँ पे चारों तरफ पटाखों का शॉप है, ऐसे इधर उधर, यहाँ पे उधर, छक में, ऐसे कोई जगह पे ऐसे नहीं बिठाया गया था, कोई चौक में या फिर ऐसे एक ही जगह पे सारे पटाखे का स्टॉल लगा था। तो वहाँ से वो पटाखे लेके आए, कुछ बाहर से लाए थे, फिर यहाँ से फिर जाके लाए, सब कुछ जहाँ से लाए थे वहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो फिर यहाँ से लाए। और फिर गए थे ये वाला, देखिए, रंगोली लेने के लिए, तो वो सब शूट किए थे। और यहाँ से मूर्ति भी लाए थे, गणेश जी का और जो लक्ष्मी माता का, जो छोटे छोटे मूर्ति, और वहाँ से वो सब लेके आए थे। और ये वाला वीडियो जो है, ये हमारे सीसीटीवी कैमरे से शूट किया गया है। तो मैं कैसे रंगोली दे रही थी और बाकी सब रूम का थोड़ा सा वो देख रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग यहीं से। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और अभी टाइम हुआ है 1:25, मतलब 1:30 बजने लगा है अभी। और मैं कब से, मॉर्निंग से करीब 10 बजे से घर का सब चीज़, मतलब इधर उधर जो सेटिंग करना था दिवाली के लिए, सजाना था, वो सब कर रही हूँ। और कुछ कुछ जगह पर कर चुकी हूँ और नीचे आ चुकी हूँ। सारा शूटिंग नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा सब सामान निकालना पड़ा, फिर उसको सेटिंग करना पड़ा। देखिए आपको यहाँ पे कितना मैसेज दिख रहा होगा और थोड़ा बहुत सजावट भी दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फूल लगा चुके हैं, लाइट्स भी अंदर लगा चुके हैं। और देखिए, सारा मैसेज होके गिरा है और यहाँ पे भी फूल लग चुका है, साइड में इधर भी फूल, लीची लाइट सब लग चुका है। बहुत अच्छा लग रहा था, जब लाइट जलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बाहर भी मैं कर चुकी हूँ और रोड में मेरे को रंगोली बनाना है, वो बाद में बनाएंगे। तो फर्स्ट आप यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, जहाँ जहाँ पे लगाना था, जो जो करना था मैं कर चुकी हूँ। और ये छोटू सब शूट कर रहा था, थोड़ा थोड़ा लाइट्स लगा चुकी हूँ। तो चलिए फिर घर के अंदर चलते हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा सा डेकोरेशन हो गया है, यहाँ पे भी डेकोरेशन कम्प्लीट हो चुका है, जो मैसी हुआ है उसको फिर सजाएंगे। तो जो जो मैं थोड़ा सा की थी, चलिए दिखा देती हूँ अभी। ये मैं अपने रूम में की थी, टेबल के ऊपर थोड़ा सा, इस बार मैं लाइटिंग दिया नहीं रखी। और ये डाइनिंग एरिया में एक कॉर्नर में टेबल में इसको मैं डेकोरेट की थी, देखिए इतना अच्छा लग रहा था। जब एक्चुअली ऐसे देखोगे ना तो अच्छा लगता है, लेकिन लाइटिंग के बाद ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये दीदी के रूम में सब रेडी मैं करके रखी थी, ऐसे करके रखने से इवनिंग में होता है ना अच्छे से। और ये बाबू के रूम में, मतलब जीत के रूम में, उसके टेबल के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेट की थी। और ये वाला दिया मैं नया लाई हूँ इस बार, दिया वाला लाइट। और ये कॉर्नर में जहाँ पे एक लॉन्ठन टाइप का मैं लाई थी, मिट्टी का दिया, वहाँ पे भी जलता है, इसमें ओरिजिनल दिया सब जलाऊंगी। और ये नीचे जैसे मैं पहले से दिखाई थी, तो देखिए यहाँ पे गणेश जी और सरस्वती माता के मूर्ति, ये सब डेकोरेशन है, यहाँ पे पूजा नहीं होता है हम लोग का। हम लोग का जो पूजा है वो पूजा रूम में ही होता है, और गणेश जी और लक्ष्मी जी का जो पीतल और चांदी का मूर्ति है वही पूजा होगा। तो वो सब आप दीदी के ब्लॉग में सब देख सकते हो। और ये सब डेकोरेशन एरिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ सामान पहले से था और कुछ सामान इस बार लाई हूँ, जो सामान मैं रख देती हूँ उसको फिर नेक्स्ट ईयर अच्छे से थोड़ा सा मैं रखती हूँ पेपर में ऐसे फोल्ड करके, ताकि वो नेक्स्ट ईयर काम आए, ऐसे करके रखना चाहिए। और हमारे घर में तो उतना स्पेस नहीं है कि आप बाहर सजा के रख सकते हो, तो मैं रख देती हूँ अंदर। और यहाँ पे देखिए फ्लावर, मतलब सब रेडी है सब जगह पे, ये लास्ट लुक है क्योंकि अभी क्लीनिंग घर का हो चुका है। अभी मैं फिर बाहर जाऊंगी रंगोली के लिए। और ये वाला स्वाति के रूम में छोटू से, गणेश जी, साईं बाबा, जो जो थे, और भी बहुत सारा सामान था, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं ली, ज़्यादा मैसी करने से भी ना अच्छा नहीं लगता है। और ये फटाके जो कि दूसरे रूम में थे, मम्मी के रूम में, वहाँ पर मैं रखी थी, सॉरी वहाँ पे मैं गई थी तो शूट कर ली। दो जगह में इतने पटाखे थे और एक पॉलीथिन में भी थे। और ये रंगोली स्टार्ट हो चुका है, देखिए मैं बाहर दे रही हूँ, मैं स्पीड अप कर दी हूँ ताकि आप लोगों को देखने में बोर ना लगे। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, पहले देखिए गोबर दिया गया था नीचे, और हमारा रोड जो है ना बहुत ही रफ़ है,
बहुत ही रफ, उसके ऊपर रंगोली करना बहुत डिफ़िकल्ट काम रहता है, प्लेन जगह रहने से ना अच्छा रहता है। तो फर्स्ट मैं चौक से कर ली और स्टार्टिंग से नीचे तरफ करते करते गई। मेरे को इस बार समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या, पहले से मैं सोच के रखती हूँ लेकिन इस बार मैं सोच ही नहीं पाई, और जब बैठी तब सोच सोच के करने लगी। तो जितना कलर मेरे पास, कलर बहुत था और कुछ कलर मिस्टर पुरोहित लाए थे और कुछ फिर मंगाना पड़ा, क्योंकि जो जो कलर बीच बीच में चाहिए था पता नहीं वो कलर था नहीं, मैं सोची कि जितना है उसमें एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन हुआ नहीं, फिर मंगाई मैं। तो देखिए ये वाला मैं, और हाथ से ऐसे करके देने से ना बहुत टाइम लगता है ना, तो फिर चाय का छलनी उसको मैं मंगाई तब तक आधा कंप्लीट हो चुका था। तो इसीलिए देखिए मैं हाथ से ही वाइट कलर का जो चुना वही देती हूँ। बहुत जन जो हैं स्टिक यूज़ करते हैं, उसका बहुत सारा डब्बा आता है उसको अंदर डाल के पाउडर को उसको भी करते हैं, लेकिन मैं हाथ से करती हूँ, मेरा उतना पतला नहीं होता, फिर भी ओके चलेगा। तो ये मैं सब डिज़ाइन यहाँ का कंप्लीट करके फिर मैं नीचे खिसकूँगी, हाथ पैर पूरा रोड के ऊपर बैठ जाती हूँ मैं, तो वैसे डाल के बैठी हूँ लेकिन क्या करूँ, मुझे इतना पसंद है कि मुझे रोड और साइड में क्या है क्या नहीं नहीं दिखता है, बस करते ही जाती हूँ। और वैसे साइड में मिस्टर पुरोहित, रीत और बाकी सब भी बीच बीच में आके बैठे थे वहाँ पे, और सब कोई थे, इधर से गाय आ जाता है, बहुत सारे गाड़ी वाड़ी भी आ जाता है ना, तो इसीलिए देखिए बीच बीच में मैं ऐसा डिज़ाइन कर रही हूँ और ये फ्लावर सबको उसको कर रही हूँ। वो मैं बर्ड्स एक पकड़ के वो फ्लावर सब बना रही थी, और ये सिल्वर कलर का कुछ जिंक टाइप का था ग्लिटर, तो उसको मैं दे रही थी, थोड़ा सा शाइन करेगा रात में। तो ये वाला मैं कंप्लीट कर दी, और ये वाला हिस्सा जब बनाऊँगी आपको दिखेगा, चाय का छन्नी आ गया है उसमें मैं बनाऊँगी। देखिए ये सब डिज़ाइन में कंप्लीट कर दी ताकि मुझे इधर से नीचे नीचे करने में आसानी हो। और यहाँ पे मुझे कर रही थी मैं ये लक्ष्मी माता का पाँव ड्रॉ कर रही थी, लेकिन उसके ऊपर फिर चाय की छलनी से ये रेड कलर देना पड़ा। चाय की छलनी से देने से क्या होता है, कलर आपका थोड़ा कम खर्च होता है, और हाथ से डालोगे ना तो ज़्यादा कलर चला जाता है। तो उसके बाद देखिए ये डायरेक्ट आ गया, बीच में शूट बंद कर दिए थे तो क्या करें, इसीलिए फिर बात का शूट वाला ये वाला आया। तो फिर भी आपको पता चल गया होगा, देखिए पैर में बना दी, और इधर देखिए फिर उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन की, उधर एक पिकॉक और इधर एक पिकॉक। ये देखिए मैं चाय की छन्नी से कैसे दे रही हूँ, वो वाला कंप्लीट जल्दी होता है, वो कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छे से होता है। और हाथ से ही वाइट कलर का जो रंगोली लेके उसको कवर अप कर रही हूँ, और मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, थोड़ा सा सिल्वर दे रही हूँ। और तब भी युग वीडियो कॉल किया था तो उससे बात कर रही थी, बात कर करके मैं ये वाला रंगोली बना रही थी। तो यहाँ पे बैठ के देना बहुत ही मुश्किल बात है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है, मैं इतना करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट जैसे, तो जितना बेस है करके उसके बाद मैं चाहती हूँ और थोड़ा सा साइड साइड से करके बड़ा कर दूँ। तो करीब दो घंटा लग ही जाता है मुझे बनाना, उतना टाइम तो लग ही जाता है, हाथ पैर दुख जाता है पूरा बैठ बैठ के मेरा, क्या करोगे। तो वही मैं मिस्टर पुरोहित को बोले थे पता नहीं कितना दिन कर पाऊँगी, उसके बाद अगर नहीं कर पाई तो कौन करेगा रंगोली। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे हर टाइम करने की, पता नहीं क्या किसके साथ क्या हो, जितना टाइम है उतने टाइम तक एक्टिव रहना चाहिए। वैसे देखिए मेरा अभी कंप्लीट होने को आया, एक साइड कंप्लीट कर चुकी हूँ और दूसरा साइड मैं कर ली। और ये देखिए साइड साइड में जो वाइट दी हूँ तब नहीं दी थी, इसको करने के बाद देखिए इसका लुक कैसे आता है। तो ये मेरा दिवाली का रंगोली हो चुका है कंप्लीट, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ, देखिए देखिए ग्लिटर सब जो डाला है उसके बाद उसका लुक थोड़ा सा जो शाइन करता है ना रात में बहुत अच्छा लगता है। आप ग्लिटर डालोगे तो गोल्डन कलर का ग्लिटर डालने से भी और अच्छा लगता है, लेकिन गोल्डन कलर का ग्लिटर नहीं था तो ठीक घर के सामने ही मैं डालती हूँ, हर साल डालती हूँ। देखिए चलिए अभी लाइट सब ऑन करके सब दिखाती हूँ आपको। तो ये है हमारे रूम का टेबल के ऊपर का व्यू, तो कैसा लग रहा है बताइएगा। ये वाला दिया ना बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये वाला मेरे जो प्लांट्स हैं साइड में उसके ऊपर पिंक कलर का लाइट्स डाल के यहाँ पे थोड़ा सा शूट किया गया था, तो ये भी कैसा लग रहा है बताइएगा। तो मैं सब ऑन करके थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ लाइट्स, ये देखिए। तो चलिए अभी चलते हैं जीत के रूम में, और ये जीत के रूम का डेकोरेशन एरिया है। तो ये लाइट्स तो ऑन है, अभी ऊपर का लाइट्स मैं ऑफ करके आपको दिखाऊंगी ये लुक कैसे आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ भी चीज़ जैसे ये एप्पल वाला जो ग्लास है ना, इसके अंदर ओरिजिनल दिया देना चाहिए था लेकिन मैं नहीं दी, ये टूट जाएगा, कहाँ पर रखोगे आप, कहीं पे लग गया तो टूट गया तो अच्छा नहीं लगेगा। ये वाला मुझे गिफ्ट्स मिला था कहीं से, दीदी को एक और मुझे एक,
और ये दीदी के रूम का देखिए, ये वाला भी फ्लावर वाला लाइट्स भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही क्यूट। और यहाँ पे ओरिजिनल दो ठो दिया जलाया गया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। लाइट्स ही ऐसी चीज़ है जो कि सब चीज़ को उजाला उजाला कर देता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला देखिए ओरिजिनल, जब दिया जल गया तो ये वाला हिस्सा और भी सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, है ना। और यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर में ये भी दिया जलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे भी कुछ डेकोरेशन करो, देखिए लाइट्स ऑफ करने के बाद ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और ये मैं नीचे आ चुकी हूँ और यहाँ पे मिस्टर पुरोहित दिया जला रहे थे, एक दो दिया ऐसे बुझ गया था तो मैं बोली आप जला दो, उसके बाद मैं शूट करती हूँ। और ये स्वाति के रूम का कॉर्नर डेकोरेशन लाइटिंग, तो चलिए लाइट ऑफ करके देखते हैं कैसा लग रहा है। उनके रूम का भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब घर घर का बाहर सजाओगे तो घर का मतलब ईच एंड एवरी रूम हम क्यों थोड़ा डेकोरेट नहीं करेंगे, ऐसे करने से ना वो वाइब्स आता है, एक पॉजिटिव फील आता है वहाँ पे, अच्छा लगता है वो चीज़ देखने से भी, उसको थोड़ा सा ऐसे बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला हिस्सा देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लक्ष्मी माता और गणेश जी का मूर्ति कितना सुंदर लग रहा है, लाइटिंग के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वाला देखिए, ये दिया सब मैं पहले से बनाई थी, जो लास्ट ईयर से बना के रखी थी। और ये वाला स्टैंड वाला जो, ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा था, इस बार मैं नया लाई हूँ। ये स्टैंड में जो 3 लेयर का स्टैंड है, ऊपर एक पिकॉक है, वो वाला इस बार मैं लाई हूँ, लास्ट टाइम नहीं था। इस बार शॉप गए थे तो वहाँ पे देखे। और ये वाले हिस्से को भी आप लोग देख लीजिए, चलिए बाकी सब भी आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मम्मी के रूम में फ़ैन में एक लैंप लगा दिए थे जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था वहाँ पे। और ये वाला वॉल भी अच्छा लग रहा है, तो चलिए बाहर चलते हैं। अभी बाहर क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। और ये टोटल रूम का एक लुक देख लीजिए कैसा लगा, बताइएगा। हमारा दिवाली डेकोरेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट ईयर आप लोग भी ऐसे ही करके थोड़ा बहुत सब रूम में सब जगह पे थोड़ा डेकोरेशन कीजिए, ताकि आपको भी बहुत अच्छा लगे, पॉजिटिव वाइब्स मिले। तो मैं सोच रही थी इस बार नहीं करूँगी, अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मन नहीं माना और फिर मैं की। और ये कॉर्नर में जो आपको लिप्स देख रहे हैं, मैं लाई थी दूसरे काम के लिए, लेकिन इसको डेकोरेशन में यूज़ की तो अच्छा लगा। लास्ट टाइम मैं बहुत सारे प्लांट्स ला के डेकोरेशन की थी। और ये आ गए हैं क्रैकर्स बाहर, बाहर अभी फटाके फोड़े जाएंगे, तो चलिए चलते हैं बाहर। और मैं ये आ गई हूँ बाहर, दीदी बैठी है बाहर पहले से ही रेडी होके। और ये भैया और छोटू जीत, में मीत जीत बोल रही हूँ, जीत को बहुत मिस कर रहे थे, वो इस बार पढ़ाई में बिजी है, वो यहाँ पे नहीं था, तो उसका नाम तो आता आएगा ना, बड़ा बेटा है घर का, तो उसको भी बहुत मिस किया, वीडियो कॉल में थोड़ा बहुत देखा वो। और यहाँ पे मीत और रीत फटाके फोड़ रहे हैं और बाहर हम सब यहाँ पे बैठेंगे अभी। और ये देखिए स्टार्ट हो गया फुलझड़ी, ये वो सब अनारकली, क्या क्या चिड़चिड़ी सब कुछ कर रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। बाबू लोग भी, बच्चे लोग भी तो इतना करते हैं ना, हमें डर लगता है पर उनको डर नहीं लगता। ये देखिए ये मस्त लगता है। और ये मिस्टर पुरोहित क्या एक कर रहे थे, देखिए कुपी उसको कर रहे हैं, ये देखिए आ गया, अच्छा लगता है। ये मुझे ना एक साथ 5-6 ऐसे जलता है ना, वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। और इधर छोटू कर रहा है, उधर वो कर रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं। अब साइड साइड में भी बहुत पटाखे फोड़ रहे थे, इधर उधर होके, डर लगता है पास पास में ना ऐसे फूट जाएगा बोल के, बहुत डर लगता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है देखने में। और ये वाला ना ऐसे हुआ मत बोलिए, ये तो पूरा 5 मिनट तक जलता ही रहा थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद फटा जो लड़ी है। बहुत जन उधर से जा रहे थे आ रहे थे, हमें डर लग रहा था। और ये बच्चे लोगों का फ़ोटो मैं उठा रही थी, सबका फ़ोटो हम लोगों ने रंगोली के साथ लिया, ताज़ा मज़ा आ गया। और यहाँ पे ना हम लोग क्या करेंगे अभी देखिए, दोनों मिलके ये शॉर्ट वीडियो के लिए मैं शूट कर रही थी, तो यहाँ पे फुलझड़ी लगा रहे थे तो लग ही नहीं रहा था, बड़ा मुश्किल से लगा, मैं लगाई फिर मिस्टर पुरोहित उसमें लगाए तो तुरंत लग गया।
तो चलिए अभी शूट करते हैं शॉर्ट वीडियो। और ड्रेस आपको दिख रहा होगा मेरा, दीदी का और स्वाति का, तीनों का सेम है। मैं ये ऑनलाइन मंगाई थी तीनों का, और तीनों ने ड्रेस पहना है इस बार। मैं बोली पहनते हैं अच्छा लगेगा, और कलर भी बहुत अच्छा था ना, ऑरेंज कलर बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए फुलझड़ी कर रहे हैं रंगोली के सामने, बहुत ही मस्त लग रहा था। मैं फिर मिस्टर पुरोहित का ले ली और बोली रुको रुको मैं भी करती हूँ एक। मैं स्वाति को बोल रही थी कि चलो चलो मेरा एक वीडियो बनाओ तो मिस्टर पुरोहित हंस रहे थे। और ये कर रहे हैं बच्चे लोग सांप, जो बोलते हैं ना स्नैक, उसको जला के देखो कितना सारा निकल आया है। एक जगह पे सब डाल दिए और माचिस लगा दिए। और ये आ गया कुछ पिक्स जो कि हमने उठाया था, तो देखिए आप लोग और एंजॉय कीजिए। तो आज का ब्लॉग बस इतना। अगेन हैप्पी दिवाली। आज आपको हमारा दिवाली वाला ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप लोग भी दिवाली बहुत अच्छे से मनाए होंगे पता है मुझे। और अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल। सब के जीवन में लाइट्स आए और खुशियाँ आए। उसी के साथ ही आज का ब्लॉग मैं रखती हूँ। लास्ट तक पिक्चर सब देखिए और इन्जॉय कीजिए। पिक सब कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है मेरे ब्लॉग से तो उसको भी कमेंट में बताइए। बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम संबलपुरी वाला ब्लॉग में जो बच्ची का मैं तारीफ की थी, जो क्यूट सी बच्ची, उसकी मम्मी भी कमेंट की है, तो अच्छा लगा जान के कि सब लोग देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये वाला ब्लॉग भी कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।